गुरुद्वारा दुखनिवारण साहिब के बाहर एक लड़के ने गाड़ी से कुछ लोगों को कुचल दिया। सिख संगत जो गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए जा रही थी, उस सिख संगत को गाड़ी चढ़ाकर कुचल दिया गया। ये कुचलने वाला कोई और व्यक्ति नहीं, ये व्यक्ति एक सरदार व्यक्ति है जिसकी दुकान वही गुरुद्वारा साहिब की मार्केट के अंदर है। गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब में कल रात जब एक व्यक्ति ने गाड़ियां चढ़ाकर कुछ लोगों की टांगे तोड़ दी, कुछ को जख्मी कर दिया, तो उसको उसी समय कुछ देर के बाद ही पुलिस वहां से पकड़ कर ले गई। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, कल रात की बात है, गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब की जो मार्केट है उसी मार्केट के अंदर कुछ लोगों की दुकानें हैं। उन्हीं में से एक ऐसा लड़का था जिसने लोगों के ऊपर, सिख श्रद्धालुओं के ऊपर जो संगत गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पटियाला में माथा टेकने गई थी, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। पूरी जो जानकारी है वो मैं आपको यहां पर वीडियो के अंदर सुनाने वाला हूं और दिखाने भी वाला हूं। कुछ दुकानदारों ने जो बयान मीडिया को दिए वो भी हम आपको इस वीडियो के अंदर सुनाने वाले हैं। गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब के अंदर क्या मामला हुआ इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर है, जो इंटरव्यू वहां पर उसी समय मीडिया के साथ किया गया। इंटरव्यू के अंदर बताया गया कि बाप ने अपने लड़के को कहा कि जा गाड़ी चढ़ा दे सभी के ऊपर, और उस लड़के ने सभी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। बाद में मीडिया के अंदर यह भी बताया गया कि लड़का नशेड़ी है, लड़के को एसजीपीसी के द्वारा ही नौकरी तक मिली हुई है, और एसजीपीसी के अंदर ऐसे लड़कों को नौकरी मिल जानी जो मंदबुद्धि है, इस प्रकार से मिल जानी या किस प्रकार से मिली ये कुछ नहीं पता, लेकिन बताया यही गया है कि इस लड़के को एसजीपीसी के अंदर नौकरी मिली हुई है। बाप दुकान भी चलाता है, लड़के को नौकरी मिली हुई है, फिर भी संगत के ऊपर गाड़ी भी चढ़ाते हैं। अब गाड़ी चढ़ाने के बाद इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद इसके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगती है ये तो आने वाले समय के अंदर पता चलेगा, लेकिन कल रात जिस प्रकार से इन्होंने सिख संगत को, सिख श्रद्धालुओं को, गुरुद्वारे के अंदर जाने वाली संगत को कुचला है, टूट गई है, दो जख्मी हो चुके हैं, काफी सारी ऐसी बातें और जो हम आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर अभी आगे सुनाते हैं। अब सुनिए कि ये क्या कहते हैं यहाँ पर, पूरा मामला क्या है अलग अलग लोगों के साथ। अपने दुकान जो गंडा जो कड़े कृपाना पे भाई चाचा के मारन लग गया, मैं अपनी जान बजाई उपर भज गए, असि मारा भजया, असि मारा संगत ने कितने गया मुंडा, संगत ने भाई गंडासी गुंडी कोई मारा उड़ा दो मुंडे भज गया फड़न लगे पुलिस आई सारी पुलिस उपर लाके फोन लाके सानू का नशे भी कर लड़ाई हो जी कमाई है कमाई जी मेन गड्डी छड़े देता जी दुकान मसला ए है इन्हां दी कोई पुरानी रंजा चल रही थी निबड़ गई थी जी, ते आपा च घूर रहे थे जी, और कहना तू मैनू क्यों घूर रहा, और कहना तू की कर लेगा, तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मैं कोहली नू जानदा, अभी कहा जी चलो छड्डो कोई गल नहीं, और कृपान लैके आया मुंडे का कृपान मारी जी उन्हें, मैं कृपान छड़ाई दुकान के अंदर वड़ के जी, मैं कृपान छड़ाई फिर उन्हें गंडासी मारी जी, फिर उन्हें इट्टा मारिया सारे शीशे तोड़ते जी, कितने लोग जख्मी हुए हैं, छह सात मुंडे जख्मी हुए हैं जी, एक मुंडा सीरियस है, एक मुंडा सीरियस है जी, अजीत ककार अते सुरीर से। ठीक है ठीक है, ये तो ये वो वीडियो है दोस्तों, ये आप क्लिप देखिए साथ वाली स्क्रीन के ऊपर, देखो इसकी आवाज मैं बिल्कुल बंद कर रहा हूँ,
क्योंकि ये एक दूसरा मामला होता है, आवाज के कारण थोड़ा वायलेशन ज्यादा हो जाती है यूट्यूब के ऊपर। वैसे यहाँ पर किसी के ऊपर चढ़ाई नहीं दिखाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर गाड़ी बिल्कुल साफ है, सही है। लेकिन एक और वीडियो है इसी तरह का, जिसके अंदर श्रद्धालुओं के ऊपर से गाड़ी वो गुजारता हुआ दिखाई दे रहा है। ये गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब की फुटेज है, गुरुद्वारा साहिब के बिल्कुल बाहर जहां पर जोड़ा घर बना हुआ है, जो मुख्य द्वार है गुरुद्वारा साहिब का, जिधर से हम पटियाला बस स्टैंड की तरफ से यदि गुरुद्वारा साहिब जाते तो उस तरफ से जाते हुए मार्केट आती, उस मार्केट के अंदर ही एक दुकानदार था, एक ऐसा बिकड़ैल दुकानदार था जिसने श्रद्धालुओं के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। ये पूरी सच्चाई क्या थी वीडियो के अंदर हमने आपको सुनाई दिखाई, जो वहां की संगत थी, जो दुकानदार थे, उनकी बाइट भी आपने सुनी। और जब अपनी ही कम्युनिटी का व्यक्ति जो एसजीपीसी के अंदर नौकरी करता हो और वही संगत के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे, तो इसलिए इस बात के ऊपर मुहर लग जाती है कि एसजीपीसी के अंदर गुंडे भर्ती किए गए हैं। सेवादार के नाम के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे स्थानों के ऊपर कई बार ये चीजें सामने आती हैं। अब इन लोगों को नौकरी से बाहर निकालना चाहिए, सस्पेंड करके, टर्मिनेट करके इनको जेल के अंदर भेजना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो मानसिक तौर के ऊपर बेकार है, जो मानसिक तौर के ऊपर बीमार है, इन लोगों को जेल के अंदर रखना चाहिए। तो दोस्तों ये थी वो घटना और उसकी जानकारी, गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पटियाला के अंदर किस प्रकार से एक दुकानदार ने, एक ऐसे मंदबुद्धि दुकानदार ने लोगों के ऊपर, संगत के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनको कुचल दिया था। सो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना। यदि आप लाइक कमेंट शेयर करेंगे तो साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा लेना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की।